उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 अक्टूबर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सामान्य निर्वाचन 2017 की घोषणा के परिणाम स्वरूप आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के उपरांत जिला में सभी सरकारी विकासात्मक होर्डिंग्स तथा राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स हटाए जाने हैं। इसीलिए समस्त राजनीतिक दलों से उन्होंने अपील की है कि राजनीतिक दल विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, मार्गों आदि पर लगाई गई आदि पर की गई लिखावट को मिटाया जाए तथा इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों द्वारा होर्डिंग्स, कटआउट, इश्तिहार, पोस्टर, बैनर और झंडे इत्यादि को भी तुरंत हटाने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी होर्डिंग्स से विकासात्मक फ्लैक्स उतारने की प्रक्रिया जारी है और इसी कड़ी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा स्थापित सभी 21 सरकारी बैनरों के विकासात्मक फ्लैक्स उतार दिए गए हैं और अन्य विभागों से संबंधित होर्डिंग भी समय अवधि के भीतर उतारे जा रहे हैं। जिला बिलासपुर चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें हमारे 367 जो है पोलिंग बूथ्स पहले निर्धारित थे, प्लस हमें 27 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ्स की अप्रूवल कमीशन से मिली है, तो हमारे पास 394 कुल बूथ होंगे, जिसमें कि हमारे कुल मतदाता आज के दिन में 293,411 है। सभी पोलिंग बूथ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो जो वोटर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो रैम्स हो, टॉयलेट्स हो, उसकी सबकी व्यवस्था हमने पहले से कर रखी है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए हमारी सभी टीम्स जो है वो तैनात कर दी है। जैसे ही पिछले कल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ तो हमारी सभी हमने टीम्स एक्टिवेट की गई और आज से वो पूरा कार्य अपना करने लगी है।